मैनपुरी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक चौबे। कस्बा करेल के तहसील मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। देखिए हमारे संवाददाता ब्रजकिशोर मिश्रा की ये रिपोर्ट। कस्बा करेल में किसान को सिंचाई हेतु फ्री बिजली दिए जाने एवं प्रधानमंत्री सम्मान निधि की धनराशि किसानों को अतिशीघ्र दिए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने आज तहसील मुख्यालय धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर तहसील अध्यक्ष उदयवीर सिंह यादव, ब्लॉक अध्यक्ष भुवनेश राजपूत, राम नरेश, चंद्रशेखर, मनोज यादव सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। आज ये किस संबंध में आप लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था? ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, प्रदेश व्यापी आंदोलन है, केंद्रीय संगठन के आह्वान पर। उसमें क्या है, बिजली की दरें जो पहले पुरानी थी उनका तो अभी तक भुगतान नहीं कर पा रहे हम लोग, और नए रेट फिर शुरू करने जा रही सरकार, तो भी बहुत ज़्यादा उनका भुगतान हम लोग नहीं कर पाएगी। सिंचाई के लिए सरकार सब किसानों को मुफ्त में बिजली दे, नहीं तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा और विकराल रूप ले सकता है, कुछ भी हो सकता है आगे चल के। किसान सड़क में उतरेगा और क्या कर सकता है, किसान के पास समस्या ही समस्या है। उसके बाद भी सरकार जानती है, किसान भुगतान न करने के बाद भी और उसके ऊपर वजन लाद रही है, आत्महत्या होती चली जा रही है, किसान आत्महत्या करता चला जा रहा है, परेशान है, उसके बाद ही सरकार समझ नहीं आ रही है। इसलिए हमारा कहना है, हमारे संगठन का कहना है और केंद्रीय संगठन के आह्वान पर ये एक आंदोलन है, वही आंदोलन विकराल रूप लेगा और सरकार को परेशानी होगी। हम तो परेशान हैं ही, एक सरकार को बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। आपका ये जो धरना प्रदर्शन किस संबंध में था? आज हम इसलिए आए हैं कि आज तो जो प्रदेश के ऊपर जो कार्यकारी है उन्होंने कहा था कि हर तहसील में कार्यक्रम करना है, तो आज एक प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हमको पैसा दे रहे हैं, लेकिन हमारे कर्मचारी पैसा नहीं देना चाहते। ये दो जो हज़ार रुपये जो आ रहे हैं और साल में जो है 6,000 देने का मतलब मकसद है प्रधानमंत्री जी का, लेकिन हमारे कर्मचारी नहीं देना चाह रहे हैं। किस संबंध में था ये? प्रधानमंत्री जो है सम्मान निधि योजना जो थे चल रही है, हाँ आएगी। दूसरी ये बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं, तो दोनों के बारे में है। और मुख्य रूप से इसके अलावा भी हमने जो यहाँ पर 13 तारीख को धरना प्रदर्शन किया था, उस धरना प्रदर्शन में हमारे SDM महोदय ने 10 दिन का टाइम समय दिया था, तो हमने कहा था आपके 10 दिन, हमारा 15 दिन, हमारे 10 दिन के अंदर आप यार काम पूरा नहीं करते हैं तो हम 15 दिन आपके ऑफिस में ताला डाल देंगे। उसके बाद हमको जो यहाँ पर जो है 18 तारीख को बुलाया गया, लेकिन तब से आज तक कोई कार्रवाई नहीं मालूम पड़ रही है।